नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं टोयोटा के रोमियन मॉडल वी के सामने। तो आज इसमें बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई, ये जो गाड़ी है ना आपको मारुति सुजुकी की याद दिला जाएगी, यानी कि अर्टिगा आपने देखी होगी उसकी याद दिला देगी इसको देखने में। तो आइए देखते हैं इसमें पहले क्या क्या चीज़ मिलती हैं। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 136 NM का टॉर्क जनरेट करता है, और पावर की बात करें तो 101 BHP का पावर जनरेट करती है। मैनुअल ट्रांसमिशन में है। आइए देखते हैं, एक MV सेगमेंट की ये गाड़ी है। तो आइए देखते हैं, देख सकते हैं नीचे की तरफ फॉग लैंप आपको मिल जाता है इस मॉडल में, और यहाँ पे आपको अच्छी सी क्रोमिंग मिल जाती है काफ़ी जगह, ये देख सकते हैं फ्रंट में। लाइटिंग की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लो बीम, हाई बीम मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको कुछ इस तरह की ग्रिल और जाली मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुपर मॉडल है, एक अर्टिगा की याद दिलाएगा आप अगर इसके इंटीरियर को देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, यहाँ पर दो वाटर पम्प मिल जाते हैं, वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, दो वाइपर मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट, और नीचे की तरफ देखेंगे अगर अलॉय व्हील्स हमको यहाँ पे मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे जो हैं 16 इंच के यहाँ पे आपको टायर जो हैं अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ की थोड़ी सी बड़े टायर होते तो उसमें कोई इशू नहीं। बाकी MUV सेगमेंट में ये जो है टायर के साइज़ लगभग इतने ही रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टर्न इंडिकेटर जो है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिल जाता है, आप लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाते हैं, और एक DRL मिल जाती है। LED लाइट आप देख सकते हैं जो कि इसमें लगी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं वी मॉडल आप देख रहे हैं। बाकी अभी हम गाड़ी के अंदर भी चल के दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे क्रोमिंग आपको मिल जाती है, रिक्वेस्ट टोपिंग सेंसर मिल जाता है जो कि आपको सामने कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ एक शार्क फिन एंटीना नहीं है, इंटारगेटेड एंटीना लगा हुआ है ऊपर की तरफ, सनरूफ का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्टिगा का पूरा टच जो है इसमें दिया गया है। रोमियन का ये जो वेरिएंट है अभी नया मॉडल जो है लॉन्च हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ लुक जो है टोयोटा का लोगो, यहाँ पे रोमियन का लोगो मिल जाता है। और उसके बाद ऊपर की तरफ वाइपर मिल जाएंगे आपको, डिफॉगर मिल जाता है जो कि यहाँ पे आपको आप देख पा रहे हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक पंप मिल जाता है, और हाइमस्टिक हाइलोजन लैम्प मिल जाता है LED जो कि ऊपर की तरफ फिटेड है। बैक में लाइट जो है कुछ इस तरह से जो है मिलती हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं चार जो कि यहाँ पे लगे हैं, देख सकते हैं आप। तो जैसे अभी हम ओपन करके भी दिखाएंगे बूट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर लगे हैं, और आगे की तरफ हम चल के एक बार इसके लॉक को जो है ओपन करने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले आप एक बार इंटीरियर देखिए, यहाँ पर डोर में आपको लॉक अनलॉक के कंट्रोल, चाइल्ड लॉक का बटन, ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो देख सकते हैं, और ORBMs के कंट्रोल भी डोर में ही आपको मिल जाते हैं। ये देखिए डोर में ही आपको ORBM कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक फोल्डेबल कर सकते हैं। एक बटन ऑटो पावर डाउन का मिल जाता है, क्रोम आपको फिट मिल जाता है यहाँ पे। नीचे तरफ वाटर होल्डर मिल जाता है, साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक जो है काफ़ी अच्छा बनाया गया है। पुश स्टार्ट का बटन दिया गया है, टॉप मॉडल है ये गाड़ी का वी मॉडल। यहाँ पे आपको हेडलाइट ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, सीट को फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयरिंग और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है कुछ दिखता है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और नीचे की तरफ अगर देखें तो सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन, तो आप इसे सीट अपने स्टेयरिंग को हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो कि इसमें दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे म्यूज़िक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ कॉल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के ऑप्शन। और स्क्रीन की बात करें तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के टच इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि यही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो एक अच्छा सा AC बना हुआ है, ये देखिए ये बॉटल रखेंगे यहाँ पे कूलिंग हो जाता है, USB टाइप से मिल जाता है, USB टाइप चार्जर, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको हेडरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आपका आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि कुछ ये देख सकते हैं ओपन नहीं होता, आगे पीछे बस इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बैक मिरर मिल जाता है, लाइटिंग हैलोजन लाइट मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे AC आपको मिल जाती है, वही अर्टिगा वाली याद मैंने बोला था, अर्टिगा जैसे अर्टिगा में रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंटीरियर काफ़ी शानदार है,
रूमियन का। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इस मॉडल को आप प्रेफर कर सकते हैं। की की बात करें तो इस तरह से रूमियन की जो है दिखती है। एक बार हम पीछे की तरफ आपको लेके चलेंगे, पीछे की तरफ किस तरह के ऑप्शन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो पीछे की तरफ चल के देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, ये देखिए पीछे के डोर ओपन करने में इस तरह से कुछ लुक जो है आता है, पूरा वाइट कलर में। पूरा जो कलर यहाँ पे एक ही है सिंगल, यहाँ पे क्रोम मिल जाता है, डोर हैंडल क्रोम, और एक प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। यहाँ पे सीट अनफोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। और फैब्रिक सीट्स जो हैं इसमें मिलते हैं आपको पूरी तरह से। पीछे की तरफ एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। और ये आप देख रहे हैं फ्रंट बैक से गाड़ी का लुक जो है कुछ इस तरह से आता है। बाकी पीछे की तरफ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है दो लोग के लिए, तीन लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको सॉकेट वगैरह मिल जाते हैं चार्जिंग के, सीट देख सकते हैं इस तरह की फैब्रिक सीट्स आपको मिलती हैं। बाकी यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बॉटल होल्डर आपको मिल जाते हैं और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं आप सामान को अपने कैरी करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है रूमियन में, तो आप इस मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। और बताइए आपको ये मॉडल कैसा लगा। आपको ये मॉडल 13 लाख रुपए तक में आपको मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 13 लाख तक में आपको ये मॉडल मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए अपने नज़दीकी टोयोटा शोरूम में जाके एक बार बात करें और डिस्काउंट की बात करें। बाकी गाड़ी का लुक जो है इस तरह से आता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।